उल्मान रिएक्शंस, ये भी एक फ्री रेडिकल का एग्जांपल है और बिल्कुल वैसे ही चलता है, वैसे ही मैकेनिज्म है जैसे आपने फिटिंग रिएक्शंस की करी थी। तो हो क्या रहा है इस रिएक्शन में, देखिए पहले तो ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है कोई भी, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट आई फील दैट दिस कंपाउंड यानी एराइल हैलाइड कन्वर्ट इन बाई फिनाइल। तो ये रिएक्शन हम क्या कहते हैं, उल्मान रिएक्शन। तो लिखिए व्हेन एराइल हैलाइड, व्हेन एराइल हैलाइड हीटेड इन कॉपर ट्यूब एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन इट कन्वर्ट इन बाईफिनाइल अबाउ रिएक्शंस। नॉन बाय उल्मान रिएक्शंस, उल्मान रिएक्शंस, अबाउ रिएक्शन इज नॉन एज उल्मान रिएक्शंस। हम इसको किस नाम से जानेंगे, उल्मान के नाम से, ठीक है। मैकेनिज्म कैसी रहेगी, क्या रहेगा इसका, सिंपल सी मैकेनिज्म है। कॉपर बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं कॉपर भी एक एक्टिव मेटल है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे तो इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकता है, और वापस वैसे ही मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगी। बस अंतर ये है, हाँ बेटा बाईफेनाइल कंपाउंड है, हाँ ठीक है। तो बस अंतर ये है कि यहाँ पर सोडियम की जगह कॉपर लिया जा रहा है और कोई खास अंतर नहीं है। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल बन रहा है, और फ्री रेडिकल जब बन गया है हमारे पास तो ये डाइमर बना लेगा। ये फ्री रेडिकल की खास बात है कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो यहाँ हमारे पास ये फ्री रेडिकल इस तरह से कन्वर्ट हो गया है, और बाकी हमारे पास जो कॉपर प्लस टू है वो दो सी एल माइनस की वजह से सी यू सी एल टू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास रिएक्शंस हो रही है, लिखें इसको। तो ये हमारे लिए हो गया उल्मान रिएक्शंस।